द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने पॉपुलर फिल्म मेकर करण जौहर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कॉफी विद करण को बकवास शो बताया और कहा कि करण जौहर को सिर्फ लोगों की प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्ट होता है। इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री से जब पूछा गया कि अगर उन्हें करण जौहर शो कॉफी विद करण पर बुलाएंगे तो वो जाना पसंद करेंगे, इस बात का जवाब देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि वो कभी भी ऐसे शो में जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम बकवास शो है। विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा कि करण जौहर अपने शो में सिर्फ लोगों की बेडरूम लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। अब वो मिडिल एज में उनके दो बच्चे हैं, उनके लाइफ में बेडरूम रोमांस ज्यादा अहम नहीं है और ना ही करण जौहर को बताने के लिए कुछ खास है। उन्होंने कहा वो शो बहुत आर्टिफिशियल है, ऐसे में मेरा वहाँ जाना बहुत अजीब हो जाएगा। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने इंटरव्यू में कहा, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मेरी लाइफ में अब सेक्स जरूरी नहीं है, मेरी जिंदगी इसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। उन्हें सुनना है कि कौन किसे डेट कर रहा है, किसको किसने धोखा दिया है, ये सब स्टोरी मेरे पास नहीं है। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि करण जौहर के शो में अपने क्लोज लोगों को ही वो बुलाते हैं, उन्हें ही खुश करते हैं और बाकी लोगों को यह शो बकवास ही है। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट।